नमस्कार दर्शकों, राजधानी लाइव से मैं हूं भावना जोशी आपके साथ और लेकर आई हूं आपके लिए सोशल मीडिया से जुड़ी चटपटी खबरें शो में, जिसका नाम है सोशल मीडिया की माथापच्ची। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वायरल ट्रेंड्स के साथ। ट्विटर पर आज नंबर वन पर ट्रेंड कर रहा है हैशटैग अपोलोजाइज टाइम्स नाउ। दरअसल पंजाब पॉलिटिक्स में जारी घमासान पर नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के साथ सियासी गलियारों में हलचल बढ़ गई है। टीवी डिबेट्स इस मसले पर बहस दिख रही है। टाइम्स नाउ भी इसी मसले पर डिबेट के दौरान एंकर नाविका कुमार के मुंह से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए आपत्तिजनक शब्द निकल गया। हालांकि उन्होंने बाद में बात को संभालते हुए माफी भी मांगी, लेकिन कांग्रेस नेता ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया और अब ये सोशल मीडिया पर तमाम यूजर्स भी नाविका को आड़े हाथों ले रहे हैं। ट्विटर पर दूसरे नंबर पर ट्रेंड कर रहा है हैशटैग वर्ल्ड्स हार्ट डे। कोई भी इंटरनेशनल डे हो और वो ट्विटर पर ट्रेंड ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और आज तो वर्ल्ड्स हार्ट डे है, उसी को लेकर अब ट्विटर पर ये हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। ट्विटर पर तीसरे नंबर पर ट्रेंड कर रहा है हैशटैग पाक प्रॉक्सी तालिबान। दरअसल अफगानिस्तान के एक नेता ने बयान दिया है कि पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर कई सारे आतंकवादी अफगानिस्तान आए। इसके बाद क्या था, पाकिस्तान ने तालिबान का प्रॉक्सी बोलकर ट्विटर पर लोगों ने ट्रेंड शुरू कर दिया। सोशल मीडिया के ट्रेंड्स में आज के लिए इतना ही। देश और प्रदेश के खबरों के लिए देखते रहिए राजधानी लाइव।